ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அல்நாஸ் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நான் சமைக்க போகிறது இல்லை, எங்கள் கிராண்ட் மாதர் சமைக்க போகிறாங்க. ஹாய், இன்றைக்கி விஜிடபிள் பிரியாணி செய்ய போகிறாங்க. முட்டை வேக வச்சு அப்புறம் பிரியாணி செய்கிறாங்க. इधर इधर पे हरिया है, हरिया है महेश जी। सुन देखने वाले வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் அறுக்கிறேன், வெங்காயம் தக்காளி அறுத்துக்கிறேன். அண்டே உபால் கே ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி மே டாலத்தே ஹி. அதாவது இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்கள் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு முட்டை சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட போகிறோம். அதான் முட்டை உரிச்சிட்ருக்காங்க. ஓ, வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு தாளிச்சிக்கலாம். चूल्हे पर तो चूल्हे के ऊपर देगचा चढ़ाई हूँ और तेल डाल रही हूँ। तेल में डाल रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी के पट्टा ऐलका क्रैम्ब एनल पोटा और ये क्या है तो प्याज है। लौंग पट्टा डाले तो लौंग पट्टा चले गया और प्याज डाल रही हूँ। पट्टे इल का क्रैम्ब नल्ला ऑयल हीट आई इो वंगम वदको ये अदरक लहसुन का पिसा हुआ डाल रही हूँ। प्याज तले गया और अदरक लहसुन डाल रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये डालने के बाद வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. டமேட்டோ டால் ரீஹும் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கணும். ஹரி மிர்ச்சி தாளிச்சிடுவோம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறாங்க. அச்சா மிர்ச்சி தோடா தேல் மே அச்சா சா தோ உஸ்க்கு பாத் இஸ்கா மசா ஔர் ரைதா டீக் ஹே. இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தக்காளியோட பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கணும், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் வரும்.
गाजर इसमें तेल में तले जाता है, देखो ऐसा। इप्पो उरला कलंगे कैरेट एन्ने ला नल्ला वादकी करांगे ये हल्दी की बुकनी है, थोड़ा सा डालती हूँ वेजिटेबल बिरयानी में, थोड़ा सा डालेंगे तो ठीक रहता। इप्पो इसको इप्पो मंजल तो ऐड पनीर कांगे ये मिर्ची की बुकनी है और थोड़ा सा डालती हूँ, हरी मिर्ची डाले ना, थोड़ा सा डाला खाने में, ज़्यादा रहेगा तो खार खार से कुछ नहीं खा सकते। इप्पो मिगा तो ऐड पनीर कांगे पुदीना कोतिमीर इसमें डाल के, इप्पो पुदीना कोतिमीर ऐड पन रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से डालेंगे तो सेहत को अच्छा रहेगा। ये लल वेजिटेबल छोड़ा है तो नाला वादे की क्या नो है, लो बीपी है तो ऐसा कुछ होता तो मैं हाथ से पकड़ के गरम रहेगा ना करके समझो मत, समझ में आती बात। ये नमक है और खाने को भी यही है और वेजिटेबल को भी यही है। इप्पो उप्पु ऐड பண்றாங்க, நல்லா mix பண்ண பிறகு வெஜிடபிள் தண்ணி போட்டு வேக வைக்கணும். चावल आके 7 गिलास का है, इसमें 7×7 = 14 गिलास पानी डालते। நாங்க அரிசி 7 கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால 7+7 = 14, ஸோ 14 கிளாஸ் ஆட் பண்ணோம், தண்ணி 14 கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். வெஜிடபிள் குக் ஆன பிறகு அரிசி போட்டுக்கலாம். दही की चटनी बना रही हूँ, प्याज हरी मिर्ची नमक और दही डाल रही हूँ। चिटल बिरयानी का दही है खाने के लिए। और वेजिटेबल बिरयानी के पास देखो दही वाला डालेंगे तो और टेस्ट रहता। नींबू का रस है, अच्छा सा उठने के बाद ये डालना, ये डाल के हिलाना। தண்ணி நல்லா கொதிச்ச பிறகு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்றாங்க, ये वेजिटेबल बिरयानी का है तो आधा पौना पक गया है तो चावल डालती हूँ, ये भी पक जाएगा। वेजिटेबल பாதி குக்க ஆன பிறகு அரிசி ஆட் பண்ணிக்கணும். पाउडर का पानी है इसमें डालेंगे तो खाना और लाल सब रहता, तो इसमें ये अदा करेंगे तो जल्द से जल्द पक जाएगा। रेड फूड कलर ऐड पनीर कांगे ये खाना हला के गलगा क्या करके देख के पानी थोड़ा सा रख के ये दम को रखते हैं, ये दम होएगा बात तो निकाल के खाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। இந்த சாப்பாடை தம்ல வச்சிருக்கோம், பிரியாணி ஆயிடுச்சு, இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். பிரியாணி பக் கை, வெஜிடபிள் பிரியாணி खोल के अब शुरुआत करते हैं खाने के लिए।
दही की चटनी बना रही हूँ। ये कंडा இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. Yeah.